गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम लेसन नंबर 9 सर्दी आई की दो एक्सरसाइज हो करेंगे। भाषा कौशल जो है उसकी 3 एक्सरसाइज है, ये मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ। आपकी बुक में भी मैंने भरवा दी है, बुक का मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। पहले आप ये लेसन के भाषा कौशल के ही कुछ प्रश्न देखें। सबसे पहले आप देखें भाषा कौशल में समान अर्थ वाले शब्द, यानी एक दो शब्दों का एक अर्थ निकलता है। जैसे महिला है, स्त्री है, महिला को स्त्री बोला जाता है ना, छात्र को स्टूडेंट भी बोला जाता है, विद्यार्थी भी बोला जाता है। एक के बारे में बताया जा रहा है लेकिन अलग अलग शब्दों से उसे संबोधित किया जा रहा है। ये ऐसे शब्दों को हमें इसमें पूछा गया है कि समान अर्थ वाले शब्द बताइए। ऐसा शब्द बताइए जो इसका शब्द दूसरा हो लेकिन अर्थ उसका वही निकले। आप जैसे छांव दे रखा है, छांव को छाया भी कहा जाता है, उसके अलावा छाट भी कहा जाता है। छांव को छाया भी कहा जाता है, उसके अलावा छाट भी कहा जाता है। अर्थ उसका एक ही है। जो हमारे बुक में, हमारे लेसन में बताया गया है कि छांव में सर्दी, धूप में सर्दी, हर जगह सर्दी ही सर्दी। तो छांव का अर्थ क्या है? छाट। उसके बाद है कपड़ा। कपड़े को हम क्या कहते हैं? वस्त्र कहा जाता है ना, वस्त्र। कपड़ों का जो अलग शब्द है वो वस्त्र है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। तो उसे हम क्या, कपड़े का अर्थ क्या हो गया? वस्त्र। दुबला, दुबला मतलब पतला, जो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। इसका अर्थ कमजोर भी हो सकता है, एक तो कमजोर, एक मोटा, ठीक है ना। तो दुबला आपको शब्द दे रखा है, चाहे आपके बुक में लेसन में भी था कि दुबले हो या पतले, सभी कैसे लगते हैं? तगड़े। कैसे लगते हैं? तगड़े। क्यों लगते हैं? क्योंकि सब एक्स्ट्रा वस्त्र पहनते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े पहनते हैं, इसलिए वह कैसे लगते हैं? सभी तगड़े लगते हैं। दुबला का मतलब क्या होता है? पतला। दुबले का मतलब क्या होता है? पतला। अब आप देखिए, आपको अगली एक्सरसाइज में दे रखा है, अगली एक्सरसाइज में लिख रखा है आपको कि स्थान में सही शब्द छांटकर भरिए। यह आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपकी बुक में देखें आप, रिक्त स्थान में सही शब्द छांटकर भरे। सर्दी में सबकी चाल, और यहाँ पे लिखिए जाती है और जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? जाती है। सर्दी में सबकी चाल सिकुड़ जाती है। उसके बाद है छांव में डैश पर सर्दी लगती है। कहाँ लगती है? बैठने पर। छांव में बैठे तो भी सर्दी, और धूप में बैठे तो भी सर्दी, हर जगह क्या है? सर्दी ही सर्दी। आप देखो ये शब्द दे रखा है आपको कि छांव का मतलब क्या होता है? छाट। कपड़ा का मतलब क्या होता है? वस्त्र। दुबला का मतलब क्या होता है? पतला। अब आप देखिए ये सेंटेंस देखिए, सर्दी में सबकी चाल सुकुड़ जाती है। क्या होती है? सुकुड़ जाती है। छांव में बैठने पर सर्दी लगती है, जब हम छांव में बैठते हैं तो भी हमें सर्दी लगती है, और हम धूप में बैठते हैं तो भी हमें सर्दी लगती है। अब देखो अगला है, ध्यान से पढ़कर वाक्य बनाइए। आपको अलग अलग शब्द दे रखे हैं और फिर का निशान दे रखा है बीच में, आपको उन शब्द को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद एक सही लाइन आपको बनानी है। जैसे आपको दे रखा लोग कांपते में बहुत है सर्दी, अब इसका वाक्य क्या बनेगा? सर्दी में लोग बहुत कांपते हैं। सर्दी में सभी लोगों को ठंड लगती है और सभी लोग कांपते हैं, तो आपका वाक्य क्या बनेगा? सर्दी में सभी लोग कांपते हैं। अगला आपको शब्द दे रखा पहनकर, फिर ऑब्लिक लगते, बच्चे, टोपी, बंदर से हैं, ठीक है। अब इसका वाक्य क्या बनेगा? बच्चे, पहले हम बच्चे लगाया मैंने, उसके बाद है टोपी, फिर पहनकर, फिर बंदर से लगते हैं। इन्हीं शब्दों से मैंने नई लाइन बना दी ना, क्योंकि अलग अलग शब्द दे रखे हैं आपको, और इन अलग अलग शब्दों को आपको एक साथ जोड़कर, सही शब्द के साथ सही शब्द छोड़कर जोड़कर आपको एक वाक्य बनाना। तो वाक्य क्या बना? बच्चे टोपी पहनकर बंदर से लगते हैं। मंकी कैप पहनते हैं ना, और उसे एकदम बच्चे कैसे लगते हैं? बंदर जैसे दिखते हैं। तो आपकी दो एक्सरसाइज हो गई। इस लेसन में केवल आपके प्रश्न उत्तर बचे हैं,
उसे याद भी करें, क्योंकि कभी भी आपके एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है, ये वाला वर्क एक पेज पर करें, ये वाला वर्क अलग पेज पर करें। ये आपके दो पेजों का वर्क है। अच्छी हैंडराइटिंग में इस वर्क को वर्क करना है।